हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग अब करवा चौथ के पूजा की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, इसमें सारी कथा भी लिखी हुई है ना। सभी इनके हम लोग चौकी को सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, तो आसन लगा रहे थे। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे सजावट करते हैं, कैसे पूजा वगैरह पूजा वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बहुत सारा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को। बहुत टाइम निकाल के शूट करना पड़ता है। तो अभी जो मेरी बुआ है वो अभी डेकोरेट कर रही हैं अच्छे से। अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हर चीज़ अच्छे से, मतलब पोस्टर लगा दिया, उसके बाद फिर मतलब कर्टन लगा के इसको डेकोरेट कर रहे हैं। फिर चावल रख के उसके ऊपर कलश रखेंगी। तो अभी चावल रखा है, चावल को अच्छे से डेकोरेट करके, जो आटे से नहीं बनता, जो बोला जाता है सुबह होता है किसी भी कलश वगैरह पे रखने के लिए बनाया जाता है, जो फ्लावर टाइप, तो वो अभी बना रही हैं। तो आप लोग खुद दिख जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, पूरा देखिए और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जैसे जैसे कर रही है ना वैसे वैसे वीडियो में बाद में बोल दूंगी। हाँ, दिखाई तो रही हूँ। अब ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई देखना पसंद नहीं करता ना, थोड़ा थोड़ा कट कट करके। मेन चीज़। हाँ हमारी पूजा की प्रिपरेशन हो चुकी है और सब रेडी होने जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करते सही, मैं एक बार बोल देते कि कपड़ा ले लेना तो ले लेते हैं। ये नहीं पता कि यार वो स्पेशल उसी के लिए शेयर जरूर करें। मैं पूजा देख बना रही हूं अगली बार करना। नहीं नहीं, ऐसा ना कि इसको अब मैं इतना नहीं कर सकता। कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, लोगों को सब्सक्राइब भी आप लोग सही, मैं एक बार बोल देते कि कपड़ा ले लेना तो ले लेते हैं। ये नहीं पता कि यार वो स्पेशल उसी के लिए
मैं पूजा देखने आ रही थी, ठीक है अगली बार करूंगी तुम्हारे लिए। ऐसा ना लड्डू इसको गोपाल जी को भी रख दिया था वहाँ पे। अभी सॉरी शंकर भगवान, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।